नमस्कार, नीतू का ढाबा यमी लेशियस में आप सबका स्वागत है। मेरी रेसिपीज देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी है। ये रेसिपी है हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए। सबसे पहले मैं सब बच्चों को विश करना चाहूँगी हैप्पी चिल्ड्रंस डे। तो आज की ये जो हमारी रेसिपी है, ये है चॉकलेट वॉलनट फज। ये बहुत ही फटाफट बनती है, बहुत ही यमी बनती है और इसे बच्चे तो क्या बड़े भी चट कर जाते हैं। तो आइए जान लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। हेलो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रेसिपी है वो है चिल्ड्रन स्पेशल रेसिपी। आज चिल्ड्रंस डे है, हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल किड्स। तो बच्चों को चॉकलेट बहुत पसंद आती है, तो आज हम बनाएंगे चॉकलेट फज। तो जान लेते हैं इंग्रेडिएंट्स। उसके लिए हमें चाहिए ये एक कटोरी कंडेंस मिल्क, एक कटोरी चोको चिप्स, थोड़े से वॉलनट्स और एक चम्मच बटर। दैट्स इट, बस हमें इतना ही चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बोल ले लेते हैं, उसमें हम अपना ये कंडेंस मिल्क डाल देते हैं। अब इसमें हम अपना ये एक चम्मच बटर डाल देते हैं और साथ ही ये हमारे चोको चिप्स, और इसको हम मिक्स कर लेते हैं। इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके हम इसको माइक्रोवेव में डालेंगे करीबन 2 मिनट के लिए। लीजिए, हमने मिक्स कर लिया है, अब हम इसे माइक्रोवेव कर देते हैं फॉर 2 मिनट्स। देखिए हमने ये माइक्रोवेव कर लिया है। इसको एक बार अच्छी तरह से हम स्टेयर कर देते हैं, मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। हमने मिक्स कर लिया है, अब हम इसमें ये जो हमारे वॉलनट्स हैं ये डाल देते हैं। टुकड़े करके डालेंगे, साबुत हमें पूरे नहीं डालने हैं। इसके हम छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे। ये लीजिए, मैंने अब इसमें वॉलनट्स डाल दिए हैं। पहले मैंने इसको 2 मिनट के लिए माइक्रो किया था, अब इसको इसमें वॉलनट्स ऐड करके मैं इसको दोबारा से 3 से 4 मिनट के लिए माइक्रोवेव में डाल रही हूँ। ये देखिए, मैंने इसको 3 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर दिया था। अब ये हमारा चॉकलेट वॉलनट फज बिल्कुल रेडी है, गर्मा गर्म यमी यमी। चिल्ड्रंस डे पे बनाइए या कभी भी बनाइए, अपने बच्चों को दीजिए, उन्हें बहुत टेस्टी लगेगा। और ये चीज़ ही ऐसी है जो बच्चे क्या बड़े भी चट कर जाते हैं। तो आइए हम इसको सर्व कर लेते हैं। देखिए, मैं इसमें निकाल देती हूँ अपने सर्विंग बोल में। आप गरम गरम बच्चों को दीजिए, उन्हें खाने में भी बहुत मजा आएगा। और मैं इसमें जो हमारे थोड़े से और बचे हुए वॉलनट्स हैं उनको ऊपर से डाल देती हूँ। तो लीजिए, तैयार है हमारा चॉकलेट वॉलनट फज। आप इसे जरूर बनाइए, बच्चों को खिलाइए, बड़ों को खिलाइए और मुझे बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिलती हूँ अपनी एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।